हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस 8 और DSLR के बारे में, मतलब दोनों का हम लोग कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग सीधे अपने वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पर मेरा नाम है अमन सचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में हुआ फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वन प्लस 8 में हम लोगों को मिल जाता है पीछे की तरफ तीन कैमरा, जो कि एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें f1.75 का अपर्चर है, दूसरा है मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का और तीसरा है अल्ट्रा वाइड लेंस 16 मेगापिक्सल का। फ्रंट में यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का जिसमें 2.45 का अपर्चर है। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है, बाकी आप नेट से भी पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ हम लोगों के पास जो DSLR है आज उसके, वो हम लोगों के पास है यहाँ पर कैनन का EOS 800D। यहाँ पर अगर बात करें कैमरे की तो 24.2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है और जो लेंस लगा हुआ है वो 18-55mm STM लेंस लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल लगी हुई हैं। यहाँ पर हम लोग मैनुअल और ऑटो दोनों मोड में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वन प्लस में भी ऑटो मोड मैनुअल मोड मिल जाता है। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहले हम लोग ज़रा ऑटो मोड में फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का वन प्लस है उसके भी ऑटो मोड में हम लोग पहले फ़ोटोज़ खींचेंगे, बाकी हम लोग आगे सैंपल्स में आपको मैनुअल मोड का भी दिखाएंगे। तो फिलहाल हम लोग एक सिंपल सी फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो आगे टैप लगा हुआ है इस टैप की फ़ोटो क्लिक करते हैं गाइस, और यहाँ पर ये रही हम लोगों की फ़ोटो। तो ये रही फ़ोटो, अभी सेम फ़ोटो ज़रा हम लोग वन प्लस से भी क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसी फ़ोटो आई। फिर इसके बाद बारी बारी हम लोग हर एक कंडीशन में कंपेयर करके देखेंगे, नाइट कंडीशन में, डे कंडीशन में, मतलब पोर्ट्रेट व्यू और किसी भी तरह का, मतलब हर एक तरह के जो भी फीचर्स हैं वो सारे हम लोग कंपेयर करेंगे फ़ोटो वाइज फ़ोटो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे भी फ़ोटो ली हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोटो आई है। कई यार यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोटो आपके सामने आ गई। वन प्लस 8 में जो है आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा नहीं अच्छी देखने को मिल रही होगी एज़ कम्पेयर टू DSLR। वहाँ पर आपको थोड़ा सा वन प्लस 8 में आप देख सकते हो कलर सेचुरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल जो फ़ोटो रहती है उससे वन प्लस 8 में थोड़ा सा कलर सेचुरेशन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आँखों से अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। बाकी यहाँ पर यह है पोर्ट्रेट मोड वाली फ़ोटो, तो यहाँ पर आप देखते हो DSLR में बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर किया है। लेकिन अगर डे लाइट कंडीशन की फ़ोटो की बात करी जाए तो आप देखते हो वन प्लस 8 में डिटेल जो है वो काफ़ी कई जगह कई फ़ोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा डिटेल अच्छी आई है। जैसे कि इस फ़ोटोज़ में बात करें तो बैकग्राउंड में DSLR थोड़ा सा वाइटिश कर दिया है, लेकिन वन प्लस ने वो काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर कलर सेचुरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है वन प्लस, इसलिए कुछ फ़ोटोज़ जो है कलर सेचुरेशन की वजह से ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो फिर यहाँ पर DSLR में जो है क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है। लेकिन कई जगह ऐसे लगा मुझे कि वन प्लस 8 बेटर वर्क करता है, मतलब ओवरऑल अगर आप जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा फोकस ना करें DSLR में तो हो सकता है वन प्लस की फ़ोटो आपको ज़्यादा बेटर लगे देखने में, और कई जगह ऐसा होता भी है। लेकिन जब आप जूम करेंगे तो फ़ोटोज़ थोड़ी सी कम होती जाती है। गाइस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में वैसे वैसे लाइटिंग कंडीशन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपको असली जो है काम दिखना शुरू हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वन प्लस 8 ने नाइट में उतना अच्छा नहीं ऑब्जेक्ट को जो है देखा है जितना अच्छा यहाँ पर DSLR ने मैनेज किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ़ोटो में सेम वही चीज़ है। यहाँ पर DSLR ने फ़ोटो थोड़ी सी ग्रेनी कर दी क्योंकि यहाँ पर ISO बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन वन प्लस की फ़ोटो आप देख सकते हो इस वाले में तो वन प्लस ने मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पाया ऑब्जेक्ट को, इतनी नाइट थी, मतलब एकदम डिम लाइट में हम लोगों ने ये फ़ोटोज़ ली थी। तो यहाँ पर डिम लाइट में आप देखते हो DSLR काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 8। लेकिन अगर कैमरा वाइज बात करिए, मतलब फ़ोन के कैमरा वाइज बात करी जाए, तो वन प्लस 8 की फ़ोटोज़ भी यार काफ़ी 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 ज़्यादा तगड़ी आ रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब अब ऑब्वियसली यहाँ पर DSLR सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए बना है तो उसकी फ़ोटो बेटर आएगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू DSLR कैसा आता है। बाकी यहाँ पर ये एक वीडियो है जो हम लोगों ने शूट किया था। गाइज ऑनेस्टली अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो वीडियो में वन प्लस 8 बेटर वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू DSLR नॉर्मल डे कंडीशन, मतलब अगर ठीक ठाक लाइटिंग है तो वन प्लस 8 की फ़ोटो काफ़ी, मतलब वन प्लस 8 का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू DSLR। अब वो यहाँ पर इस वजह से क्योंकि वन प्लस 8 में जो स्टेबलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब स्टेबलाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, और जो कलर्स का जो सेचुरेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी जो
क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी वो ज़्यादा बेटर लगती है, मतलब मेरे ओपिनियन वाइज मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। हालांकि आप एकदम अच्छे से सेटिंग करके लोगे तो आपको अच्छी फ़ोटोज, अच्छी वीडियो क्वालिटी DSLR में भी मिल जाएगी, लेकिन फ़ोटो के मामले में अगर आपको क्विक मतलब आप समझ लीजिए जैसे जा रहे एकदम से आपको तुरंत फ़ोटो कैप्चर करनी, तो वहाँ के लिए फिर OnePlus 8 ज़्यादा बेटर रहेगा DSLR के कंपैरिजन में, क्योंकि DSLR में आपको एक है मतलब अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी तो ज़्यादा बेटर आएगी। अब यहाँ पर आप स्पोर्ट्स मोड लगा देते हैं या फिर कोई मोड लगा देते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली मैं बात बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अगर ओवरऑल बात करी जाए तो मुझे क्विक काम के लिए OnePlus ज़्यादा बेटर लगा। बाकी आपको एकदम बढ़िया फोटोग्राफी करनी है तो फिर आपके लिए DSLR बेटर है, दोनों की प्राइस लगभग एक ही है। तो मुझे मेरे हिसाब से दोनों ही बेटर हैं, फ़ोन के हिसाब से OnePlus काफ़ी बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और DSLR सिर्फ कैमरा के लिए तो वो उसके हिसाब से बेटर है। तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, या फिर आपके पास OnePlus का कोई फ़ोन है तो कौन सा है। और गाइस प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नमस्कार, बाय बाय।